नमस्कार, कांताघर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट के लड्डू, जिन्हें आप जन्माष्टमी पे प्रसाद में यूज कर सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। तो आइए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन गैस पर रखकर गरम करेंगे। उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। ये हमने मोटे मोटे दरदरे बादाम कर लिए हैं एक बाउल में। इनको हम रोस्ट कर लेंगे एक मिनट के लिए। ये हमने काजू लिए हैं, ये भी मोटे मोटे दरदरे कर लिए हैं। इनको भी रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने थोड़े खरबूजे की मींगी ली हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। एक एक मिनट हम इनको भून लेंगे। ये थोड़े पिस्ता हैं, थोड़ी देर इनको भी भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें कम रखना है, मीडियम फ्लेम पे इनको भूनना है। और ये नारियल बुरादा, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम भून लेंगे। ये हमारे सभी चीज़ भून चुकी हैं। भूनने के बाद ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा कर देंगे। ये मैंने मावा लिया है एक बाउल, घर का बना हुआ मावा है ये। आप चाहें तो मार्केट से भी मावा ले सकते हैं। और इसको दो मिनट के लिए हम इसको गर्म कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है, बस दो मिनट के लिए ही गर्म करना है। अगर हम ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो हमारा मावा जल जाएगा। हल्का गर्म होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसमें हम अपने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट मिक्स कर देंगे। इन सभी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ मैंने डेढ़ कटोरी पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहें तो इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। मीठा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इस सभी मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने सभी मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम थोड़ा सा घी एक चम्मच में लगा लेंगे ताकि हमारा जो मिश्रण उठाते समय चम्मच में चिपके ना, और थोड़ा सा घी हाथों पे लगाएंगे। चम्मच की मदद से जितना बड़ा लड्डू हमें बनाना है उतना हम मिश्रण ले लेंगे और इस तरह से हाथ पर रखते हुए इस तरह से मुट्ठी बांधते हुए हम लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, लड्डू हमारा बन चुका है। और लड्डू को गार्निश करने के लिए नारियल का बुरादा लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह हम ये सभी लड्डू बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इनका भोग लगाएं और आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।